आप सभी को दीपों के त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दीपक जलाए थे। पूरी अयोध्या दीपों से प्रकाशमय थी, और चूंकि मां लक्ष्मी का आगमन सीता के रूप में अयोध्या में हुआ था, तो सबका यह मानना था कि आज से हमारी खुशहाली कई गुना बढ़ जाएगी। हम भी दीपावली को उसी अंदाज में मनाते हैं। हम भी दीपावली को इसलिए मनाते हैं कि हम ये इच्छा करते हैं कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। मां लक्ष्मी की हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, घी के दीपक जलाते हैं और मिठाइयों का वितरण करते हैं। दीपावली का त्योहार ऐसे ही मनाया जाता है, पटाखे जलाकर नहीं। पटाखों के बारे में बड़ी विरोधाभासी चीजें आज आपको सुनने को मिल रही हैं। कहीं कोर्ट का डिसीजन है, कहीं लोगों की बातें हैं कि हम पटाखे बजाने बंद क्यों करें, जो हम काफी पहले से बजाते आ रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि पटाखों का चलन तो टैंग डायनेस्टी में चाइना में हुआ था 7वीं सदी में, और दीपावली तो त्रेता युग से चली आ रही है। तो दीपावली का और पटाखों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, प्रकृति को दूषित करते हैं और हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम कभी भी प्रदूषण फैलाने के पक्ष में नहीं रहे। और दूसरी बात, पटाखों की ध्वनि कभी भी कर्ण प्रिय नहीं होती। केवल आप इस अंदाज में उसको बजाना चाहते हैं, एक तरह से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन प्रकाश के रूप में। आप अपने घर को सजाएं, आप फूलों का प्रयोग पूजा में करें, घर की सजावट में करें, दीपक जलाएं, जितने चाहें उतने जलाएं, लेकिन पटाखों से अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को और इस प्रकृति को बचाएं। ये मेरा आग्रह आप सबसे है। इसको अन्यथा ना लें। पुनः मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।